हरियाणा कांग्रेस की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की अगुवाई में कांग्रेस के शिष्टमंडल ने बाढ़ के मुद्दे पर ज्ञापन दिया। पूर्व मंत्री कंदलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, जो ज्ञापन आप लोगों ने राज्यपाल साहब को दिया है, क्या कुछ ज्ञापन के जरिए मांग की गई है बाढ़ के मुद्दे पर? सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है, जो ये बाढ़ की वजह से हरियाणा में इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हरियाणा में हुआ करती थी, जिस फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में बाढ़ से, बारिश से पहले जो बंदोबस्त किए जाते थे, इस सरकार ने कोई मीटिंग नहीं की और नालों की, रजवाहों की कोई सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। यमुना में जो नाजायज खदान, जो वहाँ पर इसका माइनिंग का जो काम चल रहा है, नाजायज इल्लीगल माइनिंग की वजह से जो गड्ढे यमुना में खोदे गए, उसकी वजह से यमुनानगर से लेकर के होडल पलवल तक के किसान बर्बाद होते जा रहे हैं। और सरकार खान माफियों से मिली हुई है और यमुना के पानी के बहाव से जिम्मेदार बरसात है इस हालात के लिए, उतनी जिम्मेदार जो व्यवस्था थी कि जो अवैध माइनिंग हुई है, नालों की बरसाती नालों की ड्रेनेज की सफाई नहीं हुई, उतना जिम्मेदार ही है ये सरकार की लापरवाही, इनकी ना तजर्बेकारी की वजह से आज हरियाणा का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कई लोगों की जाने जा चुकी हैं और अभी भी सरकार सोई हुई है। आज हमने महामहिम गवर्नर साहब को यही कहा है कि अब भी अगर ये सरकार कोई प्रयास करने का काम करती है तो आने वाले समय में या जो पानी खड़ा हुआ है उसकी निकासी जल्दी हो सकती है। राज्यपाल साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कुछ आपसे कहा राज्यपाल साहब ने? राज्यपाल साहब ने अपनी चिंता हमारे सामने दर्शाई और उन्होंने जो हमने उनके सामने सारे बिंदु बाकायदा बोल करके उन्हें सुनाए, तो उनके चेहरे से सहमति नजर आ रही थी कि वाकई सरकार इसमें बहुत बड़ी गुनहगार है और इनकी लापरवाही की वजह से ही हरियाणा का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जो प्रभावित लोग हैं बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, उनके लिए क्या मांग आप लोगों ने की है? जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए हमने मुआवजे की मांग की है और पशुओं तक के लिए, जो इस वक्त जो एक महामारी का सा भी रूप होता जा रहा है, तो हमने ये मांग की है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन अस्पताल की सुविधाओं को वहाँ पहुँचाएँ, पशुओं की जो दवाई है उनका इंतजाम करें और जिन लोगों को खाना नहीं है, जो मकान टूट चुके हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जिन गांवों में खाना और ये सारा प्रभावित हो चुका है वहाँ खाने का इंतजाम करें। तो इस तरह की बातें आज महामहिम के सामने, सरकार कह रहे कि आप लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस आपदा की घड़ी में साथ आना चाहिए, सरकार के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए? नहीं, अगर सरकार अपना काम करती, अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से निभाती, तो आज हरियाणा का इतना नुकसान नहीं होना था। हमने महामहिम को ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर सूरत में इस मुसीबत की घड़ी में सरकार के साथ है और जो भी हमसे बनेगा, हम भी बाढ़ पीड़ित इलाकों में लोगों के हर तरीके से। सर, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल साहब कहते हैं कि हरियाणा जिम्मेदार दिल्ली की हालत के लिए है, भगवंत मान साहब कहते हैं कि हरियाणा को पानी लेना, तो अब क्यों पानी नहीं लेता हमसे? ये भगवंत मान जी का जो बयान है, ये बहुत बचकना बयान है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की दुख की घड़ी में ऐसा छोटा बयान नहीं देना चाहिए। अगर SYL का ये निर्माण जो हुआ था वो वैसा का वैसा पड़ा रहता तो वो पानी बहकर के आगे चला जाता, ना पंजाब का नुकसान होना था ना हरियाणा का नुकसान होना था। तो भगवंत मान का ये जो बयान है, ये बचकना है और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना। केजरीवाल साहब तो जिम्मेदार हरियाणा को बता रहे हैं बाढ़ के लिए? नहीं, बाढ़ के लिए तो जो हरियाणा की जो कमी है वो तो आज हमने महामहिम गवर्नर साहब के सामने रखी है ना, कि इन्होंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग तक नहीं बुलाई, कोई इंतजाम नहीं किया, मौसम विभाग की चेतावनियों के बावजूद भी हरियाणा सरकार ने कोई कदम ऐसे नहीं उठाए जो बारिश से नुकसान को लोगों को बचाया जा सके। लेकिन पंजाब, जो आज मान साहब ने जो ये बात कहा है कि पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को पानी ले लो, इस तरह का बचकना बयान पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए। केजरीवाल साहब का यही कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान पानी के लेकर नहीं देना चाहिए था। वहीं जलाल साहब का कहना है कि जो प्रदेश सरकार की तरफ से बारिश से बचाव के लिए जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, वो तैयारियां प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं की गई। अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।